students, today we will discuss chapter 3, business environment. What do you mean by the business environment? Business environment means all those factors, forces, institution, individuals which affect our business, but the business have no control. It means the business environment is also made with two factors, internal as well as external. Internal factors controlled by the business. For example, a business make plan, policy, objective. ठीक है, all these factors internals होते हैं. Business उसके business उन all over internal factors को अपने according change कर सकता है. So in internal factor का business पे कोई negative effect arise नहीं होता. But जो external factors होते हैं, जो business इनको control नहीं करता, उनको उन external factors के according अपने आप को change करता है. तो वो आपके क्या होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं. इसलिए बिजनेस एनवायरनमेंट टोटल एक्सटर्नल फैक्टर्स से बना होता है. ठीक है, अब ये कहता है कि एक्सटर्नल फैक्टर्स कॉन्टिन्यूटी में चेंज हो रहे हैं और उन एक्सटर्नल फैक्टर्स का बिजनेस पे जो इफेक्ट पड़ता है, बिजनेस उनके अकॉर्डिंग अपने आप को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, उनको कंट्रोल नहीं कर सकता. सो इट मीन्स बिजनेस एनवायरनमेंट मीन्स ऑल एक्सटर्नल फैक्टर्स, ऑल फोर्सेस व्हिच अफेक्ट आवर बिजनेस, बट द बिजनेस हैव नो कंट्रोल. इन बिजनेस एनवायरनमेंट we also do the study of three words, environment scanning. Environment scanning means study of business, study of environment. It means when we the study of environment, it means what change or arise in our business or environment. ठीक है, तो for this we will study the environment. In study of environment, we identify the opportunity and threats. Opportunity means positive conditions. ठीक है, which we also give the possibility of growth and expansion of business. And threats means negative conditions, जिनकी वजह से business के growth होने के chances में क्या आती है, restrictions आती है. For example, मैंने environment की scanning की, मैंने environment की study की कि 12th करने के बाद बच्चे generally DU university की तरफ क्या करते हैं, ज्यादा demand करते हैं. यानी every student DU university से क्या करना चाहता है, education लेना चाहता है. तो फिर मेरे को एक अपॉर्चुनिटी नजर आई कि क्यों ना डीयू यूनिवर्सिटी से मैं एफिलिएशन लेकर एक कॉलेज ओपन करूं. और कहते मैंने वहां अगर डीयू यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन लेकर रेवाड़ी में एक कॉलेज ओपन कर देती हूं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे एक ओपन करने से मुझे एक अपॉर्चुनिटी नजर आ रही कि अगर वहां से मैं एफिलिएशन लेकर कॉलेज ओपन करूंगी तो डेफिनेटली जो स्टूडेंट्स डीयू यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, वहां से एजुकेशन लेना चाहते हैं, तो वो स्टूडेंट्स सब रेवाड़ी में वो सारी फैसिलिटी अवेलेबल होगी. तो उन स्टूडेंट्स को भी एक अपॉर्चुनिटी, मुझे भी एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि मैं लार्ज अच्छे टीचर्स अपॉइंट करूंगी. ठीक है, अच्छी एजुकेशन दूंगी तो डेफिनेटली मैं लार्ज स्केल पर क्या करूंगी, प्रॉफिट. तो इट मीन्स मुझे क्या आ रहा है, एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है कि मैं डी यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन लेकर रेवाड़ी में कॉलेज ओपन करने की. बट थ्रेट्स, अगर मुझे ये लग रहा है कि भाई फ्यूचर में बहुत सारी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां इंडिया में एंटर करने वाली है, ठीक है, उससे मुझे एक थ्रेट्स नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं मारुति कंपनी की कार जो है या मारुति कंपनी की जो सेल्स है उससे अफेक्ट हो सकती है. तो इसके लिए मैंने प्रोजेक्ट में अपना प्रोडक्शन क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया. तो इट मीन्स जब हम एनवायरमेंट की स्कैनिंग करते हैं तो हमें कुछ पॉजिटिव कंडीशंस, कुछ नेगेटिव, दोनों ही क्या करते हैं, नजर आती है. अपॉर्चुनिटीज को हम पिक करना चाहते हैं और थ्रेट्स को हम क्या करना चाहते हैं, मिनिमाइज करना चाहते हैं. ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है बिजनेस एनवायरमेंट की फीचर्स. फीचर्स में फर्स्ट ऑफ ऑल आता है ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस. इट मींस फर्स्ट फीचर ऑफ द बिजनेस एनवायरमेंट, ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस. इट मींस बिजनेस एनवायरमेंट इज आल्सो मेड विद टू फैक्टर, फर्स्ट विल बी द इंटरनल और सेकंड विल बी द एक्सटर्नल. इंटरनल को हम कंट्रोल कर सकते हैं बट एक्सटर्नल फैक्टर्स को हम कंट्रोल नहीं कर सकते. सो बिजनेस एनवायरमेंट ऑलवेज एक्सटर्नल फैक्टर्स से बना होता है. सेकेंड फीचर स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस. स्पेसिफिक फोर्सेस मीन्स दैट फैक्टर, दैट फोर्सेस विच अफेक्ट एन इंडिविजुअल फर्म. इट मीन्स जो फैक्टर एक इंडिविजुअल फर्म को अफेक्ट कर रहा है, एक स्पेसिफिक फर्म को अफेक्ट करता है, उस फैक्टर को स्पेसिफिक फैक्टर कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, स्पेसिफिक फैक्टर में कस्टमर है, सप्लायर है, कस्टमर, सप्लायर, कॉम्पिटिटर. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल है मेरी फॉर्म एक स्पेसिफिक कस्टमर को क्या कर रही है, गुड्स सेल कर रही है. बहुत लार्ज स्केल का कस्टमर है, उस कस्टमर को मेरी फॉर्म क्या कर रही है, गुड्स सेल कर रही है. किसी भी रीजन से मेरा उस कस्टमर से क्या हो जाता है, डिस्प्यूट हो जाता है, उस कस्टमर ने मेरी गुड्स को परचेज करने के लिए डिनाई कर दिया जाता है. तो उस
कस्टमर का मेरी फर्म से गुड्स परचेज ना करना मेरी फर्म को अफेक्ट करता है, इंडिविजुअल फर्म को अफेक्ट कर रहा है, तो दैट इज अ रिलेटिवली स्पेसिफिक फैक्टर। ऐसे ही मेरी फर्म है वो एक स्पेसिफिक सप्लायर से क्या कर रही है, रॉ मेटेरियल परचेज कर रही है। किसी भी रीजन से उस सप्लायर से मेरा डिस्प्यूट हो जाता है, उस सप्लायर ने मेरी फर्म को रॉ मेटेरियल सप्लाई करना क्या कर दिया, बंद कर दिया, तो डेफिनेटली उस सप्लायर का इफेक्ट मेरी इंडिविजुअल फर्म को पड़ता है, तो वो स्पेसिफिक फैक्टर में आती है। जनरल फोर्सेज का मतलब ऑल दोज फोर्सेज विच अफेक्ट ऑल दोज फर्म्स, यानी ऑल सभी फर्मों को जो फैक्टर इक्वल इफेक्ट डालते हैं वो जनरल फोर्सेज है। ये जनरल फोर्सेज किसी इंडिविजुअल फर्म को अफेक्ट नहीं करते, सभी फर्मों को अफेक्ट करते हैं, वो जनरल फोर्सेज है। जैसे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में चेंज आ रहा है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में कोई चेंज आ रहा है, ठीक है, सोशल एनवायरनमेंट में कोई चेंज आया, ठीक है, अगर गवर्नमेंट यानी पॉलिटिकल पार्टी चेंज होती है, किसी टेक्नोलॉजी में कोई चेंज आता है, सोशल एनवायरनमेंट में कस्टमर का टेस्ट इंटरेस्ट चेंज होता है, तो कहते हैं इन सब का इफेक्ट ऑल ओवर सभी फर्मों पे पड़ता है, तो ये जनरल फोर्सेज में आता है। ओके, देन थर्ड फीचर विल बी द इंटर रिलेटेड, कहते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट वेरियस फैक्टर से बना हुआ होता है और ऑल ओवर फैक्टर आपस में क्या होता है, इंटर रिलेटेड होते हैं, ठीक है। इट मीन्स अगर किसी एक फैक्टर में चेंज आता है तो डेफिनेटली उसका इफेक्ट किसी अनदर फैक्टर पे अराइज होता है, बिकॉज ऑल फैक्टर्स आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल है, आज का मान लो किसी एक एड आती है, उस एड में देखा जाता है कि भाई कोल्ड ड्रिंक से कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, तो फिर कस्टमर्स क्या करते हैं, जूस की डिमांड क्रिएट कर देते हैं। तो चेंज यानी डिमांड तो कोल्ड ड्रिंक में आया, यानी चेंज जो आया वो कोल्ड ड्रिंक में आता है, लेकिन उसका इफेक्ट किस पे पड़ा, जूस की डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है। तो चेंज किसी एक फैक्टर में आता है, लेकिन डेफिनेटली उसका इफेक्ट किसी अनदर फैक्टर पे अराइज होता है। एक अनदर एग्जाम्पल भी हम ले सकते हैं, जैसे यूथ का वेस्टर्न कल्चर की तरफ रुझान क्या है, ज्यादा है, वो ज्यादा इंटरेस्टेड है वेस्टर्न कल्चर के रिगार्डिंग, तो डेफिनेटली वेस्टर्न फूड्स वेस्टर्न क्लोथ्स की डिमांड क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इट मीन्स फैक्टर में चेंज किसी एक सिंगल में आता है, लेकिन उसका इफेक्ट किसी अनदर में आता है, क्योंकि सभी फैक्टर आपस में क्या है, इंटररिलेटेड है। नेक्स्ट फीचर रिलेटिविटी, जनरल स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन इंटररिलेशन और रिलेटिविटी में होता है, तो पहले मैं आपको रिलेटिविटी क्लियर करती हूँ। रिलेटिविटी का मतलब होता है हर कंट्री या हर स्टेट हर रीजन के कल्चर जो कस्टम्स जो ट्रेडिशंस होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होता है, इसलिए बिजनेस एनवायरनमेंट कंट्री टू कंट्री स्टेट टू स्टेट रीजन टू रीजन क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है, क्योंकि बिजनेस जो एनवायरनमेंट होता है वो वहाँ के पर्टिकुलर एक कल्चर कस्टम्स ट्रेडिशन से रिलेटेड है, ठीक है। सो बिजनेस एनवायरनमेंट में रिलेटिविटी की फीचर है। फॉर एग्जाम्पल है, मेरा सारी मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, मैंने उनकी एक फर्म यूएस में ओपन की है, सेकंड वाली मैंने इंडिया के साउथ में ओपन की है, एक नॉर्थ में ओपन की है, लेकिन सब जगह का जो कल्चर है जो कस्टम्स है जो ट्रेडिशंस है वो क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो यूएस में साड़ी की बिल्कुल डिमांड नहीं है, वहाँ ज्यादा सेल नहीं होती, ठीक है। इंडिया की बात करें तो नॉर्थ में कम सेल है, जबकि साउथ में सेल क्या है, ज्यादा है, क्योंकि नॉर्थ और साउथ का कल्चर भी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। इसलिए बिजनेस एनवायरमेंट ऑलवेज जहां पर भी जिस जगह पे भी मेरा बिजनेस है वहां के कल्चर वहां के कस्टम से रिलेटेड होता है, इसलिए उसको रिलेटिविटी कहा जाता है। फिर जनरल स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ पॉइंट। देखो बेटा, इंटर रिलेटेड में क्या होता है, किसी एक फैक्टर में चेंज आ रहा है तो डेफिनेटली उसका इफेक्ट किसी दूसरे पे पड़ रहा है, तो वो इंटर रिलेटेड आ रही है। और केस में भी क्लियर मेंशन होगा, चेंज तो प्राइस यानी टी की प्राइस इंक्रीज हो जाती है, तो डेफिनेटली इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, कॉफी पे, तो वो इंटर रिलेशन में आ रहा है। रिलेटिविटी में कल्चर्स ट्रेडिशंस कस्टम्स का मेंशन होगा, और हर जगह का कल्चर ट्रेडिशन और कस्टम्स क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। इनके बिना पर आप दोनों पॉइंट को क्या कर सकते हो, इजीली से आइडेंटिफाई कर सकते हो केस में, जब केस गिवन होंगे तब। उसके बाद नेक्स्ट फीचर जो बिजनेस एनवायरमेंट की आती है वो आती है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है कि हम फ्यूचर के लिए प्रेडिक्शंस नहीं कर सकते, व्हाट चेंज आर अराइज इन फ्यूचर, नोबडी कैन से दैट व्हाट शुड बी हैपन इन फ्यूचर, सो वी कैन से दैट बिजनेस एनवायरमेंट इज अनसर्टेन। इट मींस हम सबको पता है चेंज तो आएगा फ्यूचर में, बट फ्यूचर में क्या चेंज आएगा, ठीक है, नोबडी कैन से दैट, सो वी कैन से दैट बिजनेस एनवायरमेंट हैव अनसर्टेन नेचर। जैसे फॉर एग्जाम्पल है, आईटी सेक्टर में चेंज आ गया, ठीक है, और फैशन इंडस्ट्री में अचानक कोई चेंज आ जाता है, और उसके अकॉर्डिंग हम अपने बिजनेस को भी क्या कर लेते हैं, चेंज, यानी अचानक कोई आईटी सेक्टर
सेक्टर में कोई नई टेक्निक डेवलप हो जाती है, अचानक फैशन इंडस्ट्री में कोई चेंज आ जाता है और उसकी वजह से हम भी क्या कर रहे हैं अपने बिजनेस को एडजस्ट करेंगे, तो बेटा वो अनसर्टेन नेचर का होता है। इट मींस एवरीबॉडी नो दैट कि टेक्नोलॉजी में चेंज आएगा, फ्यूचर में टेक्नोलॉजी अपग्रेड होगी, बट क्या चेंज आएगा वो हमें नहीं पता होता। इसलिए हम कहते हैं कि बिजनेस एनवायरमेंट कैसे नेचर का होता है, अनसर्टेन नेचर का होता है। डायनेमिक, नेक्स्ट फीचर इज डायनेमिक, कहते बिजनेस एनवायरमेंट जो होता है वो डायनेमिक होता है, फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। वी विल बी चेंजिंग एनवायरमेंट, अगर एनवायरमेंट की जा रही है डे टू डे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू चेंजिंग एनवायरमेंट द बिजनेस इज आल्सो चेंज, ठीक है, अपने ऑब्जेक्टिव अपनी पॉलिसीज या अपनी टेक्निक्स एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग बिजनेस क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है। तो बिजनेस एनवायरमेंट कैसा होता है, डायनेमिक। जनरली स्टूडेंट्स को इन दोनों फीचर में भी क्या रहता है, कंफ्यूजन रहता है कि दोनों को केस में कैसे डिफरेंशिएट करोगे कि ये अनसर्टेनिटी का पॉइंट है, ये डायनेमिक का। देखो अनसर्टेनिटी में अगर आईटी या फैशन इंडस्ट्री में कोई चेंज आता है और उसकी वजह से मेरी फर्म हैवी लॉस डील करती है, ठीक है, या उसके अकॉर्डिंग आपने तुरंत अपने आप को एडजस्ट नहीं किया, तो फिर बेटा वो अनसर्टेनिटी है। डायनेमिक में जनरली एग्जाम्पल आता है कि कोई भी कॉम्पिटिटर अचानक या कॉम्पिटिटर अचानक अगर मार्केट में एंट्री कर जाता है, ठीक है, और अचानक एंट्री करने से आपने जो टारगेट सेट किया हुआ था कि मुझे इस साल में इतना प्रॉफिट अर्न करना है, लेकिन कॉम्पिटिटर की एंट्री करते ही आपका प्रॉफिट डेफिनेटली क्या आ जाता है, डाउन आ जाता है। इट मीन्स बिजनेस एनवायरमेंट कैसा होता है, डायनेमिक है, कभी भी कुछ भी चेंज हो सकता है, चेंज आ जाता है, तो वो डायनेमिक नेचर का होता है। उसके बाद नेक्स्ट फीचर जो आपकी आती है, कॉम्प्लेक्स। देखो कॉम्प्लेक्स में कि बिजनेस एनवायरमेंट भी ठीक है, वेरियस फैक्टर से बना हुआ है, ठीक है, और वेरियस फैक्टर्स चेंज भी हो रहे हैं, लेकिन बिजनेस एनवायरमेंट के जो वेरियस फैक्टर्स चेंज हो रहे हैं उन चेंज का मेरे बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कितनी क्वांटिटी में इम्पैक्ट पड़ेगा, किस डायरेक्शन में इम्पैक्ट पड़ेगा, इसका एस्टिमेशन लगाना इजी नहीं है, ठीक है। बिजनेस एनवायरमेंट की स्कैनिंग इजी है, एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग हम अपने आप को एडजस्ट भी कर रहे हैं, लेकिन उस एनवायरमेंट में जो चेंज आया है उस चेंज का बिजनेस पे क्या इफेक्ट पड़ा, कितनी क्वांटिटी में इफेक्ट पड़ेगा, किस डायरेक्शन में इफेक्ट पड़ेगा, इसका एस्टिमेशन लगाना डिफिकल्ट होता है। सो बिजनेस एनवायरमेंट कैसे नेचर का होता है, कॉम्प्लेक्स नेचर का होता है। बेटा ये थी बिजनेस एनवायरमेंट की फीचर्स। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि जब आप इन फीचर्स को केस में सोल्व करते हो, देन आप कैसे कैसे उनके क्यू क्या होते हैं जिसकी वजह से आप केस को सोल्व करने में आपको हेल्प मिलती है। देखो फर्स्ट फीचर तो एक्सटर्नल फैक्टर्स आती है बेटा, उसका कोई भी ऐसी लाइन, कोई भी ऐसा क्लू हिंट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि बिजनेस एनवायरमेंट के जितने भी फैक्टर्स होते हैं वो ऑल ओवर फैक्टर एक्सटर्नल होते हैं, तो डेफिनेटली एक्सटर्नल फैक्टर पूरा केस ही एक्सटर्नल मिलेगा, तो पर्टिकुलर लाइन को कोट करना बड़ा मुश्किल है, इम्पॉसिबल है, इसलिए एक्सटर्नल की कभी कोई लाइन नहीं होती है। सेकेंड, अगर किसी फैक्टर का स्पेशल आपकी फर्म पे इफेक्ट पड़ता है तो बेटा वो स्पेसिफिक, अगर उस फैक्टर में चेंज आने पर सभी फर्मों पे इफेक्ट पड़ रहा है तो वो जनरल में आता है। थर्ड बेटा, एक फैक्टर में चेंज आया, केस में गिवन होगा, मेंशन होगा फैक्टर, यानी किसी एक पर्टिकुलर फैक्टर में चेंज आया और उसका इफेक्ट किसी दूसरे पे पड़ रहा है, तो इंटरलेटेड इफेक्ट दिखाया हुआ मिलेगा दूसरे किसी, जैसे मैंने चाय और कॉफी का एग्जाम्पल दिया है, ठीक है, या फिर मैंने कोल्ड ड्रिंक या जूस का एग्जाम्पल दिया है, डेफिनेटली इफेक्ट मिलेगा। रिलेटिविटी में कल्चर, ट्रेडिशंस, कस्टम्स वगैरह गिवन होते हैं। अनसर्टेनिटी में जनरली आईटी या फैशन इंडस्ट्री में चेंज की वजह से हमारे बिजनेस में जो चेंज आता है वो गिवन होता है। डायनेमिक में कोई कॉम्पिटिटर की अचानक एंट्री हो जाती है जिसकी वजह से आपने तो अपना टारगेट सेट कर दिया, टारगेट के अकॉर्डिंग आप काम भी कर रहे हो, अचानक एक नया कॉम्पिटिटर एंट्री कर जाता है, ठीक है, और उससे आपका टारगेट क्या हो जाता है, अचीव नहीं हो पाता, तो वो डायनेमिक है। कॉम्प्लेक्स में इफेक्ट कि भाई बिजनेस एनवायरमेंट चेंज हो रहा है, लेकिन उस एनवायरमेंट में चेंज होने की वजह से मेरे बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, इसका एस्टिमेशन लगाना डिफिकल्ट होता है, एक्यूरेट पता लगाना कि किस डायरेक्शन में कितनी क्वांटिटी में उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, इसलिए बिजनेस एनवायरमेंट कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। थैंक यू बच्चों।